नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम आदमी की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। तेल की कीमतों में वृद्धि को लेकर अब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स के जरिए पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाना उपभोक्ताओं से जबरन वसूली है। एनडीटीवी से खास बातचीत में चिदम्बरम ने कहा कि पेट्रोल की कीमत का एक तिहाई जो उपभोक्ता भुगतान करते हैं, केंद्र सरकार का टैक्स है, इसलिए किसी भी वस्तु पर 33% टैक्स लगाना जबरन वसूली है। पी चिदम्बरम ने खास बातचीत में कहा कि ईंधन की कीमतों का विवरण देते हुए समझाया कि अगर कोई उपभोक्ता पेट्रोल के लिए 102 रुपए प्रति लीटर का भुगतान करता है, तो उसमें से 42 रुपए तेल कंपनियों के पास जाता है, जिसमें कच्चे तेल का प्रसंस्करण भी शामिल है। 33 रुपए केंद्र सरकार के पास और 24 रुपए राज्य सरकारों के टैक्स के रूप में जाते हैं। इसके साथ ही 4 रुपए डीलर के पास जाते हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि 102 रुपए में से 33 रुपए लगभग 33% होता है। उन्होंने कहा कि मेरे मुताबिक ये जबरन वसूली है। एनडीटीवी से खास बातचीत में चिदम्बरम ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को सबसे लालची सरकार बताते हुए कहा कि प्रगतिशील करों को बढ़ाया जाना चाहिए और केंद्र को अपने खर्च की वसूली के लिए राजस्व के एक ही स्रोत पर निर्भर रहना बंद कर देना चाहिए। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद शनिवार को 16 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि जारी रही। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल और डीजल की दरें 35 पैसे उछलकर 105 रुपए 49 पैसे और डीजल 94 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।